1 जनवरी से बंद हो जाएंगे आपके एटीएम कार्ड। जानिए क्यों। भारतीय रिजर्व बैंक के एक आदेश के मुताबिक आपके एटीएम कार्ड 1 जनवरी 2019 से बेकार हो जाएंगे। दरअसल आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को 31 दिसंबर 2018 तक ईएमवी चिप वाले कार्ड से बदलने का आदेश दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया जा रहा है। खबरों के अनुसार नया ईएमवी चिप कार्ड मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड से अधिक सुरक्षित है और इसमें फ्रॉड होने के खतरे कम हैं। क्या है ईएमवी? जानिए। वर्तमान में चिप आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड को बेहद सुरक्षित माना जाता है। ईएमवी यूरो पे मास्टर कार्ड और वीजा में एक छोटा सा माइक्रोचिप होता है जो फर्जी ट्रांजैक्शन से सुरक्षा करता है। आपका कार्ड ईएमवी है या नहीं ये कैसे पता लगाएंगे? किसी डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ईएमवी है या नहीं यह पता लगाना बड़ा आसान है। ईएमवी कार्ड में ऊपर की ओर बाईं ओर सुनहरे रंग का एक चिप लगा होता है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दिए निर्देश। बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक खास एसएमएस से एटीएम कार्ड को लेकर जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 28 नवंबर तक अपना एटीएम नहीं बदलवाता है तो उसका एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। नए कार्ड के लिए किया जा सकता है ऑनलाइन अप्लाई। आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाकर अप्लाई करना होगा।